हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइफ। तो आज मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल पनीर मटर वगैरह डाल के। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज जो है यहाँ पर चॉप करके रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल में, मतलब कढ़ाई में तेल डाल रखा है। तो आप इसमें प्याज डाल दीजिए। मैंने तेल को गर्म करके रखा था। प्याज डाल के प्याज को पहले हल्का सा पहले ब्राउन होने दीजिए। पहले आप इसे ब्राउन कर लीजिए। प्याज ये मेरी देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है टमाटर काट रखे थे। टमाटर आप इस तरह से छोटे छोटे काट के रखिए और इसको फिर हम डाल देंगे। इसलिए जो मैंने बताया था कि आप टमाटर का जो है जब तक तेल ना निकले तब तक आप उसे मतलब इस तरह से चलाना पड़ेगा, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा हमारी ग्रेवी पे डिपेंड करता है। अगर हमारी ग्रेवी अच्छी है तभी हमारी सब्जी जो है स्वाद की बनेगी। तो आप सबसे पहले अगर जो है अपनी ग्रेवी को जो है अच्छे से बनाइए। जब तक इसमें से तेल निकलता है टमाटर का, तब तक हम यहाँ पर अपनी पनीर वगैरह काट देते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ ड्रम स्टिक्स वगैरह ले रखी हूँ, तो मैं ये कुछ ड्रम स्टिक्स भी डाल दूँगी। अभी आप इसका थोड़ा सा तेल वगैरह निकलने दीजिए। आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा धीरे कर लीजिए। टमाटर ने देखिए हल्का हल्का ये तेल छोड़ना शुरू कर दिया, तो तब तक हम थोड़े से इसमें मसाले डाल देते हैं। मसाले में सिर्फ मैंने सिर्फ चार मसाले ही लूँगी। देखिए जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। आज मैं इसी से ही बनाऊँगी इस स्वादिष्ट सब्जी। तो अब आप इसे डाल दीजिए और इसे अच्छे से रला लीजिए। मैं गरम मसाले की जो रेसिपी है वो आपको सेंड करूँगी, मतलब आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने अपना गरम मसाला वगैरह बना रखा है। क्योंकि तो सारा जो है मतलब मसालों का जितना भी है गरम मसाले में ही है। मैंने सारे गरम मसाले में जो है ऐड कर रखा है। अब आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद अभी आप थोड़ा सा इसको फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका अभी टमाटर जो है ये पूरी तरह से अभी गले नहीं है। अभी इन्हें पूरी तरह से गलने दीजिए। तब ये टमाटर पूरी तरह से गल जाएंगे, आगे की सब्जी हम तब करेंगे। पहले आप इन्हें पूरी तरह से गलने दीजिए। ग्रेवी देखिए मेरी बिल्कुल जैसे है रेडीमेड होटल जैसी तैयार हो चुकी है। सारा प्रोसीजर आपका ग्रेवी पर ही अटक जाता है। तो आपका ग्रेवी देखिए बहुत ज़्यादा मतलब यम्मी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर कुछ मटर जैसे हैं मटर डाल दूँगी एक कटोरी। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ एक कटोरी मटर ही ली है। मटर और ये ड्रम स्टिक्स मैं दोनों एक साथ डाल दूँगी। ये थोड़ा सा आप इसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर अभी एक कटोरी पानी ही डाली है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए, एक साथ नहीं। अभी आप इसमें पानी वगैरह डाल के अभी आपको इसको फिर छोड़ना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रेवी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर जो है 250 ग्राम पनीर ले रखी थी। मैंने पनीर के यहाँ पर मतलब ऐसे क्यूब शेप्स में इसको कट कर रखा है। तो आप ऐसे आप देख लीजिए आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, तो आप उसमें कर सकते हैं कटिंग। अब मैं यहाँ पर इसमें पनीर डाल दूँगी। पनीर जो है बिल्कुल फाइन बन चुकी है। अब ऊपर से मैंने यहाँ पर जो है धनिए को जो है ग्रेट करके रखा हुआ था। ऊपर से आप सर्विंग के लिए आप इसमें धनिया डाल सकते हैं। अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। और आप भी इस तरह से अपने घर पर बनाइए इसी रेसिपी से। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्जी कैसे लगी। थैंक यू।